हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शारदा। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसा फेस पैक जिसे लगाकर आपका चेहरा जो बहुत ही अच्छे से ग्लो करेगा, डार्क स्पॉट्स जाएंगे, आपके जो डेड स्किन है चेहरे की वो चली जाएगी और आपका चेहरा जो बहुत ही सॉफ्ट होगा और बहुत ही नेचुरल ग्लो दिखेगा आपके चेहरे पर। आपको जस्ट ये 3 स्टेप्स करने हैं, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि हमको पहले तो चेहरा अच्छे से धो लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है एवरयूथ का पील ऑफ मास्क, कॉफ़ी पाउडर और मैंने ली है विटामिन ई ऑयल की एक कैप्सूल। तो इन तीनों को मैं अब एक बाउल में मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद अपने चेहरे पर मैं लगा लूँगी। तो जो पील ऑफ मास्क है उससे हमें जो हमारे चेहरे पे डर्ट होती है, बैक्टीरिया होता है, वो निकल जाता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, ऑक्सीजन सप्लाई यह करता है और हमारे चेहरे का मॉइस्चराइजर ये रिस्टोर करने में मदद करता है। कॉफ़ी पाउडर में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं और ये एंटी एजिंग का भी काम करती है। और जो इसे हमने पील ऑफ मास्क में मिला है, तो पील ऑफ मास्क हमारे चेहरे की स्किन को टाइट भी करता है। विटामिन ई ऑयल जो है वो हमारे चेहरे को नरिश करती है और मॉइस्चराइज रखने में मदद करती है। और एक बात, मैंने इसमें विटामिन ई ऑयल इसके लिए भी डाला है ताकि जो पील ऑफ मास्क हमें निकालने में इजी हो जाए और हमको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। तो इसे मैं अपने पूरे चेहरे पर लगा लूँगी और 15 से 20 मिनट तक इसे पूरा ड्राई होने तक मैं रहने दूँगी। तो मेरा ये अभी फेस पैक जो है वो पूरी तरह से ड्राई हो गया है। अब मैं इसे धीरे धीरे निकालूंगी। यहाँ पे आप देख सकते बहुत ही इजीली निकल जाता है और मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा है, कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है। बहुत ही इजीली निकलता है, बहुत आसानी से निकल जाता है और आप मेरे चेहरे की स्किन पर डिफरेंस भी देख सकते हो। जो भी टैनिंग है, जो भी डेड स्किन है वो सारी निकल गई है और मेरी स्किन जो है बहुत ही सॉफ्ट हो गई है और मेरे चेहरे पर एक अच्छा सा ग्लो भी आया है और बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी हो गई है। तो विंटर्स के लिए बहुत ही अच्छा ये फेस पैक है। आप इसे वीक में एक या दो बार ज़रूर यूज़ कीजिएगा। उसके बाद मैंने अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लिया है। चेहरा धोने के बाद आपको डिफरेंस और दिखेगा कि किस तरह से मेरे चेहरे पर ग्लो आया है। इससे जो है डार्क स्पॉट्स भी कम हो जाते हैं। इसे रेगुलर यूज़ करने से डार्क स्पॉट्स कम हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि चेहरे पर हमको कोई भी टोनर लगाना है। मैंने यहाँ पर रोज़ वाटर लिया है और रोज़ वाटर को मैं अपने पूरे चेहरे पर लगा लूँगी और धीरे धीरे टैप करूँगी ताकि जो हमारे पोर्स खुल गए हैं वो अच्छे से बंद हो जाए। थर्ड स्टेप ये है कि आपको अपने चेहरे पर कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाना है। मैंने यहाँ पे गुड वाइब्स का विटामिन ई ऑयल वाला मॉइस्चराइज़र लिया है, तो इसे मैं अपने पूरे चेहरे पर लगा लूँगी और जब तक ये पूरी तरह से अब्सॉर्ब नहीं हो जाए मेरे चेहरे में, स्किन में, तब तक मैं इसे हल्के हाथों से मसाज करके लूँगी। इसके बाद आप देख सकते हो बहुत ही नेचुरल दिखता है मेरा चेहरा, बहुत ही नेचुरल ग्लो दिख रहा है और बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट हुआ है। तो विंटर्स के लिए आप ये स्टेप्स ज़रूर ट्राई कीजिए, ये फेस पैक भी ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको सच में डिफरेंस दिखेगा। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।